भारतीय वायुसेना के 12 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकी शिविरों पर 1000 किलो बम बरसाए। पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमला किया। इस दौरान आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिनमें बालाकोट स्थित जैश का सबसे बड़ा आतंकी शिविर भी शामिल है। भारतीय वायुसेना की ये कार्रवाई तड़के 3:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 20 मिनट तक चली। इस दौरान लड़ाकू विमान मिराज ने 1000 किलो बम बरसाए। इसके बाद दोपहर में 11:30 बजे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद के बारे में खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा है। इसी इनपुट के बाद बालाकोट स्थित जैश के सबसे बड़े कैंप को निशाना बनाया गया। इनमें बड़ी संख्या में आतंकी ट्रेनर्स, सीनियर कमांडर और जिहादी मारे गए। इस कैंप का इंचार्ज मौलाना मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर था। इन एन इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन इन द अर्ली आवर्स ऑफ टुडे इंडिया स्ट्रक द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द जैश ए मोहम्मद इन बालाकोट। इन दिस ऑपरेशन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट्स, ट्रेनर्स, सीनियर कमांडर्स एंड ग्रुप्स ऑफ जिहादीज हु बीइंग ट्रेन्ड फॉर फिदा इन एक्शन वर एलिमिनेटेड। दिस फैसिलिटी एट बालाकोट was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय वायुसेना ने भारत पाक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से फौरन और प्रभावी कार्रवाई होने से भारतीय विमान भागने लगे। इस दौरान जल्दबाजी में उन्होंने बालाकोट के नजदीक कुछ बम गिराए जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आसिफ गफूर ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुरक्षा कमेटी की बैठक की और जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते वायुसेना को अलर्ट किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसे उकसाने वाली हरकत की है और उसे इसका जवाब देने का पूरा अधिकार है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तसव्वुर करता हूँ और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।